सतवास के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तहसील परिसर में पहुंचकर कलेक्टर के नाम सतवास तहसीलदार प्रियंका चौरसिया को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने के दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपी किशन व्यास ने बताया कि नगर परिषद सतवास में व्याप्त करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार की जाँच की मांग की थी, किंतु अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसलिए हमने पुनर्शासन को अवगत कराने की दृष्टि से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्रवाई नहीं होने की दशा में 31 मई 2022 को नगर बंद करने की बात भी कही है। ज्ञापन का वाचन भाजपा नेता विनोद राठी ने किया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और विगत वर्षों में जो नगर पंचायत सतवास में करोड़ों का नुकसान घोटाला हुआ है उसको देखते हुए आज हमने श्रीमान तहसीलदार महोदय को यह अवगत कराया कि विगत समय में हमने यह बात यानी माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय विधायक जी, सांसद सबके द्वारा यह इसकी मांग भी उठाई गई है और इसका निराकरण की बात भी की है, परंतु अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा। इसलिए पुनः शासन को अवगत कराने के लिए, स्मरण कराने के लिए हमने आज यह तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देकर और पुनः मांग की है कि इसको अति शीघ्र ही निराकरण किया जाए। यदि नहीं हुआ तो हम 31 मई 2022 को नगर बंद करेंगे। उसमें सभी व्यापारीगण, नागरिकगण, सभी कार्यकर्तागण हमारे साथ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।